वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में, जैसा कि इसके ऊपर मेरी लास्ट वीडियो थी स्नोमैन के ऊपर, आपको दिखा देता हूँ। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो आज आपके सामने मैं दिखाता हूँ। देखो कल का जो इसका प्राइस था 51.35 रुपये था, और तब मैंने ना दो चीज़ कही थी। एक तो मैंने कहा था कभी भी अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे सही टाइम है ये 45 रुपये के आसपास इसका प्राइस हो। पर मैंने एक बात और कही थी, अगर किसी ने ट्रेड करना हो तो 50 रुपये के एसआरएसआई से ट्रेड करना है, ठीक है। अगर जिसके बाद भी शेयर है अगर 50 से नीचे आता है तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आज की डेट में ये हुआ कि इस शेयर ने जो देखो इसकी ओपनिंग हुई थी करीब, देखो 59 रुपीज़ से, करीब 60 रुपये के आस से थोड़ा कम इसकी ओपनिंग हुई थी। पर जब ओपन इसकी जो क्लोजिंग हुई है ना, क्लोजिंग हुई है करीब 56 रुपये के आसपास। वो ये देखो अभी कुछ दिनों पहले भी इस ये शेयर करीब 58 रुपये तक गया था, पर ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और देखो सिर्फ अपनी क्लोजिंग दी है करीब आके 56.75 रुपये के आसपास, और 10% का 10.5% का इसने आज हाई में अपनी क्लोजिंग दी है। तो अगर ऐसी कंडीशन में मैं अभी भी कहता हूँ, देखो किसी के पास होल्डिंग में है, मैं अभी भी कहता हूँ अब अपना ना एसएल अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करो 55 रुपये के ऊपर। अगर 55 को ब्रेक करता फिर वही 51-52 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। और जो अपसाइड, देखो अपसाइड इसने 58 रुपये को कई बार, मेरी एक पुरानी वीडियो थी मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, उसमें मैंने कहा था अगर 58 के ऊपर कभी सस्टेन हो गया ना ये, तो आपको आराम से 60 रुपये प्लस में टारगेट दे के जाएगा। तो अभी का ये है, देखो अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम नहीं है ये, थोड़ा और वेट करो। पर अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड के लिए मैं कहता हूँ 55 रुपये के एसएलएसआई से ट्रेड करो। एक बार इसकी बाकी चीज़ें मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। और आज ये था जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के रिलेटिव जितनी कंपनी थी सबके शेयर में अच्छा मूव आया था, तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूव था। देखो इस शेयर का जो अभी का प्राइस है आज की डेट में, देखो काफ़ी अच्छा इसने हाई बनाया, और देखो 50 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट आता है। 50 रुपये के जो मैं हमेशा कहता हूँ एसएल इतने पर रखना कि एसएल वे से सपोर्ट मिल रहा है। तो और जो टारगेट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर ये 58 के ऊपर सस्टेन हुआ ना, तब आपको आराम से आपको 60+ ये जाएगा। और इसके साथ आपको याद होगा मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर ही वीडियो बनाई थी, कल साथ में बनाई थी मैंने इसके, उसका आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। कल की मेरी जो वीडियो इस पर थी मैंने कहा था कि इसका जो आपने 60 रुपये के SL को मेंटेन करना है, क्योंकि 61-62 रुपये कभी शेयर जाता है पर ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता, ये मैंने कल बोली थी इसके ऊपर बात। अभी के लिए हम इस पर एक बात करते हैं स्नोमैन के ऊपर। देखो जब फोरकास्ट पे हम आते हैं, देखो एंट्री पॉइंट के लिए गुड दिखा रहा है, पर फिर भी मैं कहता हूँ थोड़ा वेट करो। और यहाँ पर जो हमारे पास एनालिस्ट की रिपोर्ट है, देखो दो एनालिस्ट ने की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें से ये दोनों मना करें इसमें बाय ना करो, ये एनालिस्ट की रिपोर्ट है। अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर। देखो फाइनेंस के ऊपर ये है, अगर इसका रिवेन्यू देखेंगे, रिवेन्यू इसका लगातार बढ़ रहा है, कोरोना टाइम में भी इसका रिवेन्यू बढ़ा था, और 2021 थोड़ी ज़्यादा बड़ा है, डिफरेंट नहीं है, पर ठीक है। अब आते हैं इनकी, देखो कंपनी की जो नेट इनकम थी, देखो नेट इनकम में आप 2019 में प्रॉफिट थी, 2020 में ये आई है, देखो घाटे में कंपनी थी, पर 2021 का जो फाइनेंस ईयर आया है, ठीक है, इसके इसकी लास्ट वीडियो मैंने क्वार्टर का रिजल्ट दिखाया था इसके ऊपर। पर अभी का देखो 2021 का जो इनकी इनका प्रॉफिट बढ़ा है करीब, देखो 2020 से कंपेयर में ये कंपनी प्रॉफिट में आई है, और आने टाइम में इसमें और ज़्यादा ग्रोथ की पूरी पूरी संभावना है। अब आते हैं होल्डिंग के ऊपर। देखो होल्डिंग हर शेयर में इंपॉर्टेंट होती है। अब इसकी होल्डिंग में आप देखोगे मैक्सिमम होल्डिंग इसकी है हमारे पास प्रमोटर के पास। अब प्रमोटर के बाद देखो रिटेल को छोड़ के मैक्सिमम 40% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं इसके अंदर, और प्रमोटर की होल्डिंग लगातार बरकरार है। अब DI की होल्डिंग देखते हैं। देखो DI ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत थी उसने बस निकाल ली होल्डिंग। FI की होल्डिंग देखते हैं। देखो FI ने होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, आप 2020 कंपेयर करोगे मार्च में FI ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। रिटेल की होल्डिंग देखते हैं हम एक बार। रिटेल की होल्डिंग ठीक ठाक है, मतलब प्रमोटर सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसमें रिटेल के पास है, तो इसलिए पैनी स्टॉक है, आप ट्रेड पे ही ध्यान दो। और लेवल जो मैंने बताया वही है, देखो अभी के लिए इसमें जो ट्रेड करना है 55 रुपये के SRSI से ट्रेड करना है। अब ना कल एक शेयर और था जिसका मैंने आपको बताया था, देखो कल की जो उसकी क्लोजिंग थी वो करीब 270 रुपये के आसपास इसने कल क्लोजिंग दी थी। और कल की डेट में मैंने एक बात और कही थी कि अगर किसी भी शेयर में अगर इस तरह मूव आता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है।
और आज की डेट में आपके सामने ही है काफी बड़ी गिरावट। देखो गिरावट ये प्रॉफिट बुकिंग है, और अभी के लिए ये है कि अगर ये शेयर, कल भी मैंने कहा था कि 245 का 245 को ब्रेक करता है, इसमें और भी गिरावट आ सकती है। तो इसमें ये है, और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो, देखो ट्रेड के लिए इसमें वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम मिलेगा आपको। आप चार्ट देखना, चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा और वेट करो, शायद थोड़ी और अच्छी गिरावट आएगी। और गिरावट इसका देखो 220 के आसपास अगर आपको ये मिलेगा शेयर, तो आप उस समय से बाय करो, पर अभी टाइम लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो नए शेयर का। किसी भी शेयर में किसी भी तरह इंक्वायरी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना।